राजौरी में चल रही रामलीला में मंगलवार की रात बाली और सुग्रीव की लड़ाई का मंचन किया गया। साथ साथ हनुमान जी के लंका में जाने, माता सीता को मिलने और हनुमान जी के पूरे लंका में आग लगा देने के दृश्यों को दर्शाया गया। इस दौरान कलाकारों के अभिनय पर दर्शकों ने उन्हें नकद राशि इनाम के तौर पर दी। रामलीला में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से दर्शक आए हुए थे और देर रात तक रामलीला के मंचन का लुत्फ उठाते रहे। रामलीला समिति के सदस्य एमरोज सूरी ने बताया कि रामलीला समिति की कलाकार किसी तरह का शुल्क नहीं देते हैं। समिति के सदस्य ही आपसी सहयोग से एकत्रित राशि से इसका संचालन करते हैं। करीब 13 सालों के अंतराल के बाद 2005 में हमने दोबारा से ये श्री रामलीला का भव्य आयोजन करना शुरू किया था। तभी से हम लोग सारे जो सदस्य हैं यहाँ पर जुड़े हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के साथ हम ये भाईचारे के साथ जो है हम ये जो रामलीला का आयोजन करते हैं। पिछले 8 सालों से श्री राम जी के कैरेक्टर को प्ले करता हूँ मैं खुद, उसमें बहुत आनंदित होता हूँ। मेरा पूरा परिवार मेरा सहयोग करता है, मेरे जो बच्चे हैं वो भी चाहते हैं कि हम आने वाले समय में कहीं ना कहीं इस भव्य आयोजन का हिस्सा बने। चलना है अगर वक्त से आगे, बदलना है अगर नजरिया, तो चलते रहिए बस वक्त के साथ। हम दिखाते हैं सबसे पहले, बेशक हो छोटी खबर या बड़ी, वक्त इंडिया यही वक्त है।